कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ बहुत ही शास्त्र का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड कर रहे थे कि बहुत ही शास्त्र का पेपर उपलब्ध हो, फाइनली आपका पूरा पूरा पेपर आ चुका। और साथ ही इस वीडियो को आपको एंड तक देखना और आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा पेपर हम आपके यहाँ पर संपूर्ण हल सहित कराने वाले, तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना। साथ ही आप यहाँ पर इस पेपर को याद कर लेते हैं तो पूरे पूरे मार्क्स लाने वाले हैं। आप यहाँ पर 70 में 70 मार्क्स आएंगे इस पेपर को याद करने के बाद। आप यहाँ पर देख लीजिए अर्धवासी परीक्षा 2023-24 कक्षा 12वीं विषय भौतिक शास्त्र, समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहेगा और पूर्णांक आपके यहाँ पर 70 अंक रहने वाला। और साथ ही आपके निर्देश आते सही प्रश्न अनिवार्य है, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर दूसरा निर्देश आता, तीसरा निर्देश, चौथा, पाँचवा, छठवां, ठीक है। तो आपके यहाँ पर आते निर्देश तो आप निर्देश भी पढ़ सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि पेपर लाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, जो आपके यहाँ पर भौतिक शास्त्र का पेपर वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना और सुनना है, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पर याद कर लेने। तो हमने यहाँ पर जूम कर लिया तो आप यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएंगे। तो आप क्या आते हैं सही बिगड़ चुनकर लिखिए, 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता विद्युत क्षेत्र का मात्रक है, तो आपका इसका आ ऑप्शन आता है सी बटे में एन, और ब आता है एन बटे में सी, और सा आता है जे बटे में सी, और द आता है सी बटे में जे। तो यहाँ विद्युत क्षेत्र का मात्रक है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर बा हो जाएगा, एन बटे में सी। तो आपको यहाँ पर अच्छे से देखना और सुनना, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पर याद कर लेने। पूरा पेपर हम आपका यहाँ पर संपूर्ण उत्तर सहित कराने वाले हैं, ठीक है। फिर आपका दूसरा आता दो संदर्भित को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक पर समान होगा, आवेश विभव, आवेश एवं विभव दोनों, ना आवेश ना विभव। तो यहाँ पर देख लीजिए दो संदर्भित को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक पर समान होगा, तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा आवेश, ठीक है। तो आपका यहाँ पर आवेश समान होगा। फिर तीसरा आता अति चालक पदार्थ की चालकता होती है, अनंत होती है, शून्य होती है, एक होती है, एक से कम। तो जो यहाँ पर अति चालक पदार्थ की चालकता होती है वो होती है अनंत, ठीक है। तीसरे का आपका आकृत आंसर हो जाएगा अनंत। फिर आपका चौथा आता धरामापी कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ने में बनता है, तो आपको पता होगा कि यहाँ पर धरामापी कुंडली के साथ जब श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जुड़ा जाता है तो यहाँ पर वोल्ट मीटर बनता है, ठीक है। तो आपके यहाँ पर चौथे का भी आकृत आंसर रहेगा वोल्ट मीटर। फिर आपका पाँचवा आता है ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण है, अरक्त किरणें, पराबैंगनी किरणें, एक्स किरणें, रेडियो तरंगें। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण है, तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा, पराबैंगनी किरणें। अब छठवां आता सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है, आभासी या छोटा, आभासी या बड़ा, वास्तविक बात छोटा, और द आता वास्तविक व बड़ा। तो यहाँ पर सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है, तो इसका आंसर आपका रहेगा सा, वास्तविक बात छोटा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर जो 6 नंबर के सही विकल्प है वो कंप्लीट हो जाते हैं, और साथ ही आपने अच्छी तरह से याद भी कर लिए हुए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पूरा पेपर अच्छी तरह से याद करना है क्योंकि यही ऑब्जेक्ट और आपका आने वाले हैं, पूरा पेपर आपका यही आएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर कर लेना क्योंकि पेपर लाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। आप लोग बहुत से रिकमेंड कर रहे थे कि पेपर अप्लाई कराओ, पेपर अप्लाई कराओ, तो फाइनली पेपर आपका आ चुका। अब आपका कर्तव्य बनता है कि आपको पेपर को अच्छी तरह से याद करना है। आपके यहाँ पर आते हैं सभी पूर्ति के 6 नंबर के आते हैं। पहला आता है लेंस की क्षमता का मात्रक डॉट डॉट है, तो आपको बताओगे जो यहाँ पर लेंस की क्षमता का मात्रक है वो है डायोप्टर। तो पहले का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा डायोप्टर, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, फिर आपका दूसरा रिश्ता आता है विकिरण की प्रकृति होती है, तो यहाँ विकिरण की प्रकृति द्वैती है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए दूसरे रिश्ता का आंसर रहेगा आपका द्वैती, ये आपके यहाँ पर दूसरे रिश्ता का आंसर हो जाएगा। फिर तीसरा आपके यहाँ पर आता है निम्न कक्षा की अपेक्षा उच्च कक्षा में इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा अधिक होती है, तो तीसरे का आंसर रहेगा आपका यहाँ पर अधिक, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, अब चलिए आपके यहाँ पर आता है चौथा रिश्ता। तो चौथा रिश्ता आप यहाँ पर देख लीजिए, ऐसे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न हो कहलाते हैं, तो आपका इसका आंसर रहेगा संभारिक, ठीक है। आपका यहाँ पर चौथे का आंसर हो जाएगा संभारिक, आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर पाँचवा आता है मूल आवेश का मान डॉट कूलम होता है, तो मूल आवेश का मान होता है आपका 1.6×10^19 कूलम, ये आपका रहेगा पाँचवें का आंसर। और फिर आपके यहाँ पर 6 नंबर रिश्ता आता है जूल बराबर कूलम गुणे, आपको बताना क्या होता है। तो जो इसका आंसर सभी को कमेंट में लिखना, जिसको भी इसका आंसर पता हो वो यहाँ पर कमेंट में लिख सकता है, जिससे और स्टूडेंट की हेल्प हो जाएगी। तो इस तरह से आपके यहाँ पर रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। आप यहाँ पर दिख लीजिए पहले का आंसर आपका डायोप्टर, दूसरे का आंसर आपका द्वैती, और तीसरे का आंसर आपका अधिक हो जाएगा, चौथे का आंसर आपका संभारिक, पाँचवें का आंसर आपका 1.6×10^19, और छठवें का आंसर सभी को कमेंट में लिखना है। अब चलिए आपके जो प्रश्न 3 है वो देख लेते हैं। पूरा पेपर आपको अच्छी तरह से याद करना है। अब आते हैं आपके यहाँ पर 70-70 लिखी जो कि 5 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है एक समान विद्युत क्षेत्र में खींची गई क्षेत्र रेखाएं समांतर होती हैं, तो पहला आपके यहाँ पर रहेगा सत्य, ठीक है। पहला आपके यहाँ पर सत्य है। फिर दूसरा था विद्युत धारिता का ऐसे मात्रक वोल्ट होता है, तो ये आपका बिल्कुल यहाँ पर असत्य है, ठीक है, ये आपके यहाँ पर असत्य रहेगा दूसरा।
और जो तीसरा आता है ताप बढ़ाने पर अर्ध चालकों का प्रतिरोध बढ़ जाता है, तो तीसरा आपका यहाँ पर रहेगा ठीक है असत, तीसरा असत रहेगा आपका। फिर चौथा आता है एक गतिमान आवेश केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो जो चौथा है चौथा भी आपका यहाँ पर असत रहेगा ठीक है। और जो आपका यहाँ पर आता है पाँचवा अर्ध चालक की ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ जाती है, तो ये आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर सत्य असत्य कंप्लीट हो जाते हैं। पहला आपका सत्य रहेगा, दूसरा असत्य रहेगा, तीसरा भी असत्य, चौथा भी असत्य रहेगा, पाँचवा सत्य रहेगा। अब चलिए आती हैं सहयोनी पाँच नंबर की, पहली आती है ओम का नियम ठीक है। ओम का नियम आता है तो इसे आपको मैच करना किससे, तो आपको यहाँ पर ओम का नियम मैच कर देना है विभवांतर और धारा में संबंध। ये आपको यहाँ पहली, ये आपको पहले यहाँ पर इसे मैच कर देना है। फिर जो आपके यहाँ पर दूसरी आती है किरचॉफ का नियम, तो किरचॉफ का नियम आपको यहाँ पर मैच करना है विद्युत चालकत्व से ठीक है, ये आपकी दूसरी हो जाएगी। फिर तीसरी आती है व्हीटस्टोन सेतु का नियम, तो इसको मैच करना है आपको यहाँ पर प्रतिरोध का मान ठीक है। और फिर आपका आता है केमलिंग ऑस, तो इसको मैच करना है आपको यहाँ पर देख लीजिए जटिल विद्युत परिपथ ठीक है, ये आपके यहाँ पर चौथी आपकी रहेगी। और पाँचवीं आती साइमन, तो साइमन को मैच करना है आपको ओम प्रति मीटर स्क्वायर, आप यहाँ पर देख लीजिए ओम गुणे मीटर स्क्वायर, इससे मैच कर देना आपको, ये पाँचवीं हो जाएगी आपकी। और जो छवीं आती धारा, धारा को मैच करना आपको यहाँ पर अति चालकता से। तो इस तरह से आपकी जो जो सही जोड़ी है वो कंप्लीट हो जाती हैं, जो कि पाँच नंबर की थी ठीक है। अब आते हैं आपके एक वाक्य में उत्तर दीजिए, पाँच नंबर के आते हैं। पहला था अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध लिखिए, तो इसका आंसर आपका रहेगा पहले का आंसर बी इंटू डी समानुपाति ई, ये आपका रहेगा यहाँ पहले का आंसर। फिर आपका दूसरा था लेंज का नियम किस नियम के अनुकूल है, तो यहाँ पर लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल है ठीक है, तो ये दूसरी का आंसर रहेगा आपको ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल। फिर आपका आता गोली दर्पण का सूत्र लिखिए, तो ये आप यहाँ पर देख लीजिए एक बटे में बी प्लस एक बटे में यू बराबर एक बटे में एफ, ये आपका यहाँ पर रहेगा तीसरे का आंसर। फिर चौथा आता है स्नेल का नियम लिखिए, तो आपको जो स्नेल का नियम है इसका आंसर आपको खुद कर लेना है। फिर आपका यहाँ पर आता फोटॉन किसे कहते हैं, तो इसका आंसर रहेगा विद्युत चुंबकीय विकिरण एक सूक्ष्म ऊर्जा का पैकेट है ठीक है, ये आपके यहाँ फोटोन की परिभाषा हो जाती है। तो पहले का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, दूसरी का आंसर और तीसरी का आंसर ठीक है, चौथी का आंसर आपको खुद करना और पाँचवीं का आंसर देख लीजिए। तो इस तरह से आपके यहाँ पर एक से दो वाक्य में उत्तर भी कम्प्लीट हो जाते हैं। अब छठा क्वेश्चन आता है कर फलन तथा दैली आवृत्ति को स्पष्ट कीजिए, अथवा आता हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में भ्रमण सारणी किसे कहते हैं। जो स्टूडेंट आपका यहाँ पर अथवा क्वेश्चन है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में भ्रमण सारणी किसे कहते हैं, तो आपका इसका आंसर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में भ्रमण सारणी किसे कहते हैं, तो यहाँ पर उत्तर देख लीजिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण किसी भी उच्च कक्षा से दूसरी कक्षा में होता है, उसे भ्रमण सारणी कहते हैं, ये आपका यहाँ पर हो जाता है आंसर ठीक है। फिर आपका यहाँ पर सातवां आता है, हम आपको जो आपको ऊपर क्वेश्चन साथी अथवा का, इसमें हम दोनों में से आपको एक एक का ही उत्तर कराएंगे ठीक है। साथ में क्वेश्चन आता है मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने पर इसकी हेडलाइट कुछ मंद क्यों हो जाती है, अथवा था प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने पर उसकी हेडलाइट कुछ मंद क्यों हो जाती है, तो ये रहा उसका उत्तर, तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका यहाँ पर उत्तर है, तो जल्दी से स्क्रीन शॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर आता आठवां क्वेश्चन, अब इसका क्वांटीकरण किसे कहते हैं ठीक है, और इसका अथवा था विद्युत द्रव किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं, तो ये आपका रहा उत्तर, प्रत्येक वस्तु पर आवेश से निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है, इसे आवेश क्वांटीकरण कहते हैं, ये आपका आंसर रहेगा सातवें क्वेश्चन का सॉरी आठवें क्वेश्चन का। फिर आपका नौवां क्वेश्चन आता है समवेवापृष्ठ किसे कहते हैं, दो नंबर का रहेगा अथवा आता ओम का नियम लिखिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए समवेवापृष्ठ किसे कहते हैं, तो ये रहा जिस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है उसे समवेवापृष्ठ कहते हैं, ये आपका यहाँ पर उत्तर हो जाता है। अब आपका यहाँ पर आता ताप बढ़ाने पर किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता क्यों बढ़ जाती है, अथवा आता चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई दो गुण लिखिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए ठीक है, आप यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के दो गुण लिखिए, तो ये रहा आपका यहाँ पर उत्तर ठीक है, ये बंदरवक होती हैं और दूसरा हो जाएगा दो क्षेत्र रेखाएँ एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, ये आपका यहाँ पर उत्तर हो जाता है ठीक है, जल्दी से स्क्रीन शॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं अमीटर और वोल्ट मीटर अंतर लिखिए, अथवा आता फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम लिखिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए अमीटर और वोल्ट मीटर आपको अंतर लिखना है ठीक है ग्यारहवें क्वेश्चन में, तो ये रहा उसका उत्तर, तो जल्दी से आप यहाँ पर देखिए दो अंतर लिखना है, दोनों अंतर यहाँ पर दिए गए, तो जल्दी से स्क्रीन शॉट ले लीजिए। फिर आपका बारहवें क्वेश्चन आता पूर्ण आंतरिक परिवर्तन किसे कहते हैं, अथवा नाभिकीय विखंडन क्या समझाइए।
फिर आपका 13वां क्वेश्चन आता है, स्थिर विद्युत के अंतर कूलम्ब का नियम लिखिए तथा व्याख्या कीजिए और अथवा सिद्ध कीजिए कि विद्युत दुद्रव की अनुप्रस्थ स्थिति में किसी बिंदु पर विभव शून्य होता है। और जो इनके उत्तर है वो भी हम कराने वाले हैं। पहले आप यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, और प्रतिरोध ताप गुणांक किसे कहते हैं इसका मात्रक लिखिए, अथवा था अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध स्थापित कीजिए। 15वां क्वेश्चन देख लीजिए, प्राथमिक एवं द्वितीयक ईंधन उसमें अंतर लिखिए अथवा था प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या कीजिए। 16वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देते हैं, 17वां क्वेश्चन था कि चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। अब जो 17वें का अथवा वो देख लेते हैं, तो इसका अथवा था चालक की विद्युत वाहक बल विभवांतर और अंतर स्पर्श कीजिए। 18वां क्वेश्चन था स्वप्रेरणा और अन्य प्रेरणा कोई चार अंतर लिखना, अथवा था हाइगेन के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत को समझाइए। 19वां क्वेश्चन था व्यतिकरण क्या इसकी शर्त लिखिए, और एन और पी प्रकार के अर्धचालकों में अंतर स्पर्श कीजिए, और 20वां क्वेश्चन देख लीजिए। तो इस तरह से आपका यहाँ पूरा पेपर कंप्लीट हो जाता है। साथ ही जो आपके यहाँ पर जिन प्रश्न का सोल्यूशन हमने नहीं कराया, उन प्रश्न का सोल्यूशन मिल जाएगा आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में। और साथ ही इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन दी गई है, और साथ ही टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन दी गई है। ठीक है, तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।